हेलो दोस्तों, अंतरजनपदीय ट्रांसफर नया आदेश। जी हाँ, नई अपडेट। 2 दिवस के अंदर 3 पत्रावलियों में उपलब्ध कराने होंगे ये सभी डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं इसकी लिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी। साथ ही म्यूचुअल ट्रांसफर की कार्यवाही कब तक होगी पूर्ण, और अगर किसी शिक्षक या शिक्षिका के विवरण में त्रुटि हो गई है तो उन्हें क्या करना है। तो आइए ये सभी जानकारी हम देखेंगे नए आदेश के साथ में। तो ये आदेश है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर से। विषय है शैक्षिक सत्र 23-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। शासनादेश संख्या ये बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 2/6/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 23-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने विकास क्षेत्र के समस्त आवेदनकर्ता शिक्षक व शिक्षिकाओं से 3 पत्रावलियां जमा कराते हुए विधिवत परीक्षण करके अपनी सुस्पष्ट व्याख्या व निम्नलिखित संलग्नों के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 2 दिवस में, केवल 2 दिवस में उपलब्ध कराने हैं। अब कौन कौन से कराने हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, प्रयोग की पहचान की छाया प्रति जो भी आपने उसमें लगाया है, ई सर्विस बुक की छाया प्रति, मौलिक नियुक्ति आदेश, पदोन्नति आदेश, स्थानांतरण आदेश, निर्धारित 10 रुपए का शपथ पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र की छाया प्रति यदि संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका विकलांग हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध कराने हैं 2 दिवस में। वहीं अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर का कब तक ये पूर्ण होगा, तो इसके लिए भी दी गई है सत्र 23-24 अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर की समस्त कार्यवाही जुलाई के अंत तक पूर्ण की जानी है। रिलीविंग अगस्त माह में संभव है, तो ऐसी अभी संभावना जताई जा रही है कि ये जुलाई तक पूर्ण हो जाएगी और अगस्त में आपको रिलीविंग मिलने के चांसेस यहाँ पर हैं। वहीं एक और ये लेटर जारी हुआ है, ये है BSA ऑफिस मैनपुरी से। इसका भी विषय बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में है ये भी। तो इसमें भी उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न विकास खंडवार सूची में अंकित ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर किया गया है का सत्यापन संलग्न सूची के अनुसार करते हुए अपनी सत्यापन आख्या सूची के अंतिम कॉलम में वेरीफाइड या नॉट वेरीफाइड अंकित करते हुए हार्ड कॉपी में हस्ताक्षरी कार्यालय में 3 दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि अग्रतर कार्यवाही आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या जिला चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। यदि किसी शिक्षक या शिक्षिका के विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, दोस्तों यह ढंग से आप देख लीजिएगा कि अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो आपको क्या करना है। आपको उसके संबंध में त्रुटि निराकरण हेतु साक्ष्य सहित आख्या प्रस्तुत करनी है। उक्त कार्य अति महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है, तो इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षमा नहीं होगी। तो आपको उसका पूरा प्रमाण यहाँ पर देना है, अगर कोई भी त्रुटि आपके रजिस्ट्रेशन में या किसी भी चीज में यहाँ पर हो गई है तो आपको उसका पूरा साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। हो सकता है कि आपको एफिडेविट की भी जरूरत पड़े, लेकिन आप पहले एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद में ये भी आप वहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दें।